नमस्ते बच्चों, आज हम हमारे पाठ्यपुस्तक संचयन से हमारा सबसे आखिरी लेसन है। उस पाठ का नाम है टोपी शुक्ला। बच्चों, राही मासूम रजा लिखित यह एक उपन्यास है जिससे टोपी शुक्ला की कहानी लिखी हुई है। बच्चों, राही मासूम रजा जी ने अपने इस उपन्यास में एक भरा पूरा परिवार है और उस भरे पूरे परिवार में एक ऐसा व्यक्ति है जो अकेला पड़ गया है और वो अपने इस अकेलेपन को दूर करने के लिए अपने को और अपने अपने लगने वाले लोगों को ढूंढने का वो प्रयास कर रहा है। ऐसे ही हमारे इस कथा का जो नायक है टोपी, यहाँ पर इस टोपी ने घर में परिवार के पूरे सदस्य होने के बावजूद भी वो अपने आप को अकेलापन महसूस कर रहा है। बच्चों, उसने अपने इस अकेलेपन को दूर करने के लिए अपना गहरा दोस्त इफन और उसकी दादी तथा उसकी घर की जो टोपी के घर की जो नौकरानी थी सीता, उन लोगों में उसने अपनापन ढूंढा और उनके साथ वो अच्छी तरह से रहने लगा था। बच्चों, इसी कहानी में से लेखक ने हमें सांप्रदायिकता, जातीय, धार्मिक जो भेदभाव है उसे उजागर कर दिया है, उसे कम करने का प्रयास करके लोगों के मन में मनुष्यता निर्माण करने का इस उपन्यास से पूरी तरह से प्रयास किया गया है। तो चलो बच्चों, देखते हैं ये टोपी की कहानी, आखिर ये टोपी क्यों अपना अकेलापन महसूस कर रहा है, उसे अपने मित्र, अपनी नौकरानी सीता तथा अपने मित्र इफन और उसके दादी से किस तरह से अपनापन मिला, इसके बारे में आज हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे और जानकारी हासिल करेंगे कि ये दोनों कौन हैं। चलो बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं, अगर टोपी की कहानी हमें शुरू करनी है, टोपी के बारे में अगर हमें जानकारी हासिल करनी है तो हमें इफन के बारे में जानना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टोपी के बिना इफन अधूरा ही है और यही है कि इफन भी टोपी के बिना अधूरा ही है। तो ऐसा क्या है इन दोनों में, इतनी कौन सी गहरी दोस्ती है, ऐसा क्या हुआ जिससे ये दोनों इतने एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, तो देखते हैं हमारा टोपी इस कहानी में। बच्चों, अब तक हमने यही देखा है कि संचयन में ऐसे ही उपन्यास से लिखी हुई कुछ कहानियाँ दिखी गई है जिसका हम एक कथा के रूप में यहाँ पर प्रस्तुतिकरण करते हैं। बच्चों, यह पाठ जो है पढ़ने के लिए आपके लिए हैं और पढ़कर आपको समझना है और उसमें से किस तरह की सीख हमें मिलती है, उस सीख को जानकर हमें उसके बारे में मूल्यपरक प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं जो हमें किस तरह की जो जीवन मूल्य हैं वो दे रहे हैं। तो बच्चों, यहाँ पर टोपी जो है वो एक हिंदू परिवार से है और इफन जो है वो एक मुस्लिम परिवार से है। देखो बच्चों, ये दोनों भी एक अलग जाति के धर्म के व्यक्ति हैं लेकिन फिर भी उनमें इतनी गहरी दोस्ती बनी हुई है। यहाँ पर जो टोपी है उस टोपी का इफन के साथ दोस्ती हुई तब जब टोपी चौथी कक्षा में पढ़ता था, उसी समय इफन भी उसके कक्षा में आ गया था और उससे उसकी दोस्ती बन गई थी। यहाँ पर टोपी के घर में जो हिंदू परिवार है उन लोगों को मुस्लिम परिवार से वो सख्त नफरत करते क्योंकि वो अपने हिंदुओं की प्रथाएं, अपने रीति रिवाजों को बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहते थे और उनके रीति रिवाजों के मुताबिक उन्हें मुस्लिम के घर जाना और उनसे दोस्ती करना ये उनके तत्व में नहीं बैठता था और इसी तरह के संस्कार भी टोपी के ऊपर हुए थे। लेकिन जब चौथी कक्षा में इफन के साथ उसकी दोस्ती हुई और तब उसे पता चला, वो उसके घर जाने लगा, उसके घर जाते जाते उसके घर में उसकी दादी के साथ उसकी बहुत अच्छी तरह से मित्रता बन गई थी। टोपी जो था उसके घर में उसके पिताजी थे जो डॉक्टर थे, बड़ा ही संस्कृति वाला, पढ़ा लिखा और बहुत ही अमीर थे। किसी भी बात की कमी इस टोपी को वहाँ पर नहीं थी और कमी थी बस अपनेपन की। बच्चों,
दादी थी, दो भाई थे, माँ थी, पिताजी थे, लेकिन कभी भी टोपी को उनसे अपनापन नहीं मिला। हर दम इन सभी ने टोपी को हमेशा दूर ही रखा, हमेशा उसके ऊपर गुस्सा होना, उसके बाद नज़रअंदाज कर देना, इस तरह से टोपी को कभी अपनापन मिला ही नहीं। और यही बात थी कि टोपी बहुत मायूस हुआ करता था अपने घर में, क्योंकि दादी ना कभी प्यार करती थी, ना कभी प्यार से उसने टोपी के साथ बात की। जिस तरह से टोपी के भाइयों के साथ दादी बात करती थी, उस तरह से कभी टोपी के साथ उसने किया ही नहीं, यानी उसने अपने दादी का प्यार उसे कभी मिला ही नहीं, ना ही माँ ने कभी उसे अपनापन दिया, क्योंकि हर बार दादी के गुस्सेपन गुस्सा जो होती थी उससे हर दम माँ ने टोपी को बस पिटाई और पिटाई की। पिताजी भी उसे हर दम उसकी तरफ बिल्कुल देखा नहीं करते थे। बड़े भाई जो थे वो भी हर दम उसे सताया किया करते थे। तो ऐसा था ये टोपी का परिवार, और इसीलिए टोपी को कभी अपने इस अच्छे भरे पूरे घर में कभी अपनापन मिला ही नहीं। और जब इस इफ्फन के साथ उसकी दोस्ती हुई, तब उसने इफ्फन के घर जाना शुरू कर दिया। तो वहाँ पर भी इफ्फन जो था, उसकी माँ थी, उसके पिताजी थे, उसकी दादी और उसकी छोटी बहन थी। यहाँ पर टोपी की जो परिवार था, इफ्फन का जो परिवार था, वो भी अपने संस्कारों से जमे हुए थे, पकड़ कर रखे हुए थे। उसकी दादी भी कभी हिंदुओं के हाथ से छुआ हुआ कभी खाती नहीं थी, ना खाती थी ना पीती थी। इस तरह से वो भी अपने रीति रिवाजों को बड़ी अच्छी तरह से संभाल रही थी। आखिर वो एक मौलवी की पत्नी थी, यानी इफ्फन के जो दादाजी थे वो मौलवी थे। इसकी जो दादी थी, खास बात तो यह है कि टोपी जो था वो पूरबी भाषा, पूरब की भाषा बोलता था, यानी गांव की भाषा वो बोलता था। और इफ्फन के दादी के साथ उसकी गहरी दोस्ती होने का यही एक कारण यहाँ पर बन गया कि इफ्फन की दादी भी पूरब की थी, जो उसके 9 और 10 के आयु में ही उसकी शादी हो गई थी एक मौलवी के साथ, और वो लखनऊ आ गई थी। वो भी अपने घर में बहुत सुखी थी, पूरब में दूध दही घी का खाना खाती थी। लेकिन जैसे ही वो मौलवी के घर शादी होकर आई थी, तब उसका इस तरह से दूध घी का खाना बंद हो चुका था। हर प्रकार के नियम उसके ऊपर लदे जाने लगे थे, ना कभी खुशी मना सकती थी, ना कुछ आनंद व्यक्त कर सकती थी, एकदम शांति से घर में रहना। इस तरह से एक मौलवी के घर में जिस तरह के नियम होते हैं, उन नियमों को उसे पालन करना पड़ता था, लेकिन वो भी पूरब की भाषा ही बोला करती थी। इफ्फन के घर में उसके पिताजी को उसके दादी का पूरबी बोलना बिल्कुल पसंद नहीं था, और यहाँ पर टोपी के घर में टोपी और उसकी माँ पूरब की भाषा बोलती थी, और उसकी घर की जो नौकरानी थी सीता, वो भी पूरब की भाषा बोलती थी, लेकिन दादी को ये बिल्कुल पसंद नहीं था टोपी के। इसीलिए टोपी के घर में उसके इस बोलचाल के लिए भी उसे हाड़झीड़ किया करते थे। तो इस तरह से यहाँ पर इफ्फन के साथ गहरी दोस्ती होने का और उसके दादी के साथ भी एक अच्छी दोस्ती होने का एक कारण था कि टोपी की भाषा और इफ्फन के दादी की भाषा एक जैसे थी, दोनों की मिलती जुलती भाषा थी, और दोनों को भी अपनी एक बोली बोलने वाले जब सामने आते हैं तो वो कितने खुश होते हैं और कितना दिल खुलास बातें करते हैं। तो उसी तरह से दादी को भी अपनी पूरबी बोलने वाला एक पार्टनर मिल गया और टोपी को भी मिल गया था। तो इसी तरह से टोपी भले ही इफ्फन के घर जाया करता था, लेकिन अपने संस्कारों को उसने कभी छोड़ा नहीं था। लेकिन कभी इफ्फन के घर में ना कभी कुछ खाता था ना पीता था, बस वहाँ पर जाकर गप शप लगाता था। उसकी दादी जो थी इफ्फन की, जिस तरह से इफ्फन के साथ प्यार भरी बातें करती थी, अपने दादीपन का जो एहसास वो उसे देती थी, उसे कहानी सुनाना, उसे प्यार से खिलाना, उसके साथ बातें करना, उसकी देखभाल करना, यही टोपी की दादी उसके साथ नहीं करती थी। लेकिन इफ्फन की दादी इफ्फन के साथ साथ टोपी को भी कहानी सुनाया करती थी, उसके साथ बोलती थी, बातचीत करती थी, और वहीं पर उनकी गहरी दोस्ती बन गई, और टोपी को वहीं पर
एक दादी क्या होती है और दादी का प्यार कैसा होता है, वो उसे अपने दादी से तो कभी मिला नहीं, लेकिन इफ़न के दादी से उसे वो प्यार मिल गया और वहीं पर उसकी गहरी दोस्ती बन गई। एक दिन अचानक ऐसे ही टोपी अपने परिवार के साथ मेज पर खाने के लिए बैठा हुआ था और अचानक सब बैठे हुए थे और अचानक उसके मुंह से अम्मी शब्द निकलता है, अम्मी जरा वो बैंगन का भुरता देना। इस तरह से अम्मी शब्द सुनते ही उस मेज पर बैठे हुए परिवार के बाकी के सभी सदस्य एकदम चुपचाप, शांति फैल गई। दादी गुस्से से देखने लगी और उसने झट से पूछा कि ये शब्द तू कहाँ से सुनकर आया है। उन्होंने झट से उसे ताड़ लिया कि तू इफ़न के साथ दोस्ती करता है, उसके घर आता जाता है और उसी की बोली अब तू बोलने लगा है। तो इस तरह से दादी बहुत गुस्सा होती है और मेज से खाना छोड़कर अपने कमरे में चली जाती है। दादी का इस तरह से गुस्सा होना और इफ़न के साथ दोस्ती करना, ये दादी को बिल्कुल पसंद नहीं था। और इसीलिए जो टोपी की माँ होती है वो टोपी के ऊपर बहुत गुस्सा होती है, उसे डांटती है, उसे मार पीट करती है और बाकी सब लोग उसे ऐसे ही देखते रहते हैं। तो बच्चों, इसी तरह से टोपी के साथ अपने घर में बहुत मारपीट हुआ करती थी, सब गुस्सा हुआ करते थे, कभी लोग उसकी बात को समझते ही नहीं थे और इसी तरह से उसे घर से सख्त मना कर दिया गया था कि टोपी के घर नहीं जाना है, ना उसके साथ दोस्ती करनी है और ना ही इस किसी तरह के ऐसे शब्दों का इस्तेमाल यहाँ पर वो करेंगे। लेकिन टोपी सबको छोड़कर, सबका विरोध करते हुए वो इफ़न के घर जाता है, उसके दादी के साथ बात करता है और उसके इफ़न के साथ भी वो दोस्ती बिल्कुल नहीं छोड़ता है। और उसका कारण एक था कि उस इफ़न और उस इफ़न के दादी के पास से उसे अपनापन मिलता था। टोपी को अपने घर में केवल प्यार उसके घर की जो नौकरानी थी सीता, उसी के पास से उसे मिलता था और उसी के आंचल में जब उसे घर में कोई डांटता, मारता, पीटता तो वही जो सीता थी उसकी नौकरानी, वही उसे अपने पास लेती, उसे समझाती और टोपी जो था वो उसी के पल्लू से चिपकता रहता था। उस पल्लू को वो अपनी माँ का आंचल समझता था, उसे अपने माँ का प्यार उस सीता के जो नौकरानी थी उससे उसे मिलता रहा। हर बार टोपी के घर में बहुत बुराइयाँ ही होती रही। जब जाड़े का मौसम आता है, ठंडी का मौसम आता है तो टोपी के साथ ही हमेशा गलत हुआ करता था। जो बड़े भाई थे उनके पुराने जो कपड़े, गर्म कपड़े होते थे वही टोपी को दिए जाते थे और बड़े भाइयों को नहीं, और यही बात से बहुत गुस्सा हो जाता था टोपी। और इस तरह से उसके साथ अगर उसने मना किया तो घर वाले उसे ऐसे ही छोड़ देते थे, ना ही कभी उसे नया कपड़ा लेते थे। तो यही बात जो थी वो उसे अपने दादी की नफरत होती थी टोपी को। एक दिन ऐसे ही गहरी दोस्ती में से इफ़न की दादी का निधन हो जाता है, घर में पूरा सन्नाटा छा जाता है। टोपी जब इफ़न के घर आ जाता है तो सब लोग, बाकी के मेहमान भी उनके घर में आए हुए हैं, सब शांति से बैठे हुए हैं, वहाँ पर दादी का फोटो है और सब वहाँ पर जो दुख मना रहे थे उसे, उस सन्नाटे को, शांति को देख और वहाँ पर इफ़न की दादी को न देखते हुए टोपी को इतना दुख होता है कि उसे ऐसे लगने लगता है कि मानो इफ़न की नहीं उसकी ही दादी मर गई हैं। और उसके जीवन में पूरा सन्नाटा छा जाता है क्योंकि दादी नहीं रही। और इसी बात के ऊपर अपने दादी के और इफ़न के दादी में वो फ़र्क जानने लगा। और एक दिन अचानक जब दादी होती है तो अचानक इफ़न टोपी के मुंह से यह शब्द निकलता है, काश इफ़न अगर तुम्हारे दादी के बदले मेरी दादी मर जाती तो। बच्चों, एक बच्चे का इस तरह से सोचना, उसके पीछे का बात आपको समझनी चाहिए कि क्यों उसके मुंह से इस तरह से अपने दादी के बारे में गलत शब्द निकले, क्यों गलत विचार आ गए, तो ये भी देखना और समझना बहुत ज़रूरी है। इसके पीछे वही था कि कभी उसके दादी ने, टोपी के दादी ने उसे अपनापन दिया ही नहीं। और यही बात थी,
कि बच्चे जो होते हैं वो हमेशा प्यार के भूखे रहते हैं और वो हमेशा अपनापन ढूंढते रहते हैं। जहाँ उन्हें प्यार मिलता है, अपनापन मिलता है, वहीं पर वो बच्चे बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। और यही हुआ था कि इफ़न के दादी ने उसे अपनापन दिया था और इसीलिए टोपी जो था वो इफ़न के दादी के पास बहुत ही आकर्षित हुआ था। यहाँ पर यही समझ में आ जाता है बच्चों कि जो प्यार होता है वो कभी जाति धर्म नहीं देखता है, वो कभी भी कहीं भी किसी के साथ भी हो सकती है। बस वहाँ पर प्यार के बदले प्यार मिलना चाहिए, अपनापन मिलना चाहिए, और यही टोपी के साथ हुआ। टोपी ने कभी जाति भेद वहाँ पर नहीं किया, बस उसे जहाँ अपनापन मिला वो वहीं पर आकर्षित होता गया। ऐसे कुछ दिन के बाद इफ़न के पिताजी का तबादला हुआ और वो घर छोड़कर चले गए। और तभी टोपी ने तय किया कि आज के बाद मैं कभी ऐसे मित्र से दोस्ती नहीं करूँगा जिसके पिताजी का तबादला हो जाए और इफ़न के जैसे वो मुझे छोड़कर चले जाए। इफ़न के जाने के बाद टोपी बिल्कुल अकेला बन गया था। टोपी जब अकेला बन गया था, टोपी को एक बार घर में परीक्षा में एक ही कक्षा में वो दो बार फेल हो गया था। दो बार फेल होने का कारण भी इसी तरह से था। घर में छोटा भाई जो था वो हमेशा उसकी कॉपी जो किताबें होती थी उस किताबों को फाड़कर उससे खेलता रहता था और बिल्कुल उसे पढ़ाई के लिए नहीं बैठने देते थे। बड़े भाई या माँ जो थी वो हमेशा टोपी को ही बाज़ार से कुछ सामान लेने आने के लिए कहा करती थी। इस तरह से टोपी को कभी पढ़ाई करने के लिए ठीक तरह से बैठने ही नहीं देते थे और इसीलिए एक साल वो उसी के कारण, पढ़ाई न करने के कारण फेल हो जाता है। और एक बार उसके पिताजी इलेक्शन में खड़े रहते हैं और टोपी के पिताजी जब इलेक्शन में खड़े रहते हैं तभी टोपी की एग्ज़ाम आती है। लेकिन उससे पहले भी टोपी को एक बार टाइफाइड हुआ था और उसी टाइफाइड के कारण टोपी पढ़ाई नहीं कर पाया। और तीसरे साल जब उसके पिताजी इलेक्शन में खड़े हुए तो इलेक्शन में सब परिवार वाले उसी इलेक्शन के पीछे थे। टोपी की तो किसी को पढ़ी नहीं थी कि टोपी की परीक्षा है, उसे भी पढ़ाई करने के लिए समय मिलना चाहिए। घर में लोगों की रेल चेल हुआ करती थी, लेकिन फिर भी टोपी ने ठान लिया था कि इस साल कुछ भी हो जाए लेकिन मुझे पढ़ाई करनी है और पास होना है किसी भी हालत में। और वही हुआ बच्चों, उसने ठान लिया और वो उस साल घर में इतनी रेल चेल और इलेक्शन का माहौल होने के बावजूद भी टोपी ने अकेले अपने ऊपर अच्छी तरह से ध्यान दिया। बाकी के परिवार वालों का ध्यान नहीं था, लेकिन उसने अपने आप पर जो ठान लिया था उसी तरह से उसने अपनी पढ़ाई को पूरा किया और वो परीक्षा में पास हो गया। यहाँ पर टोपी के बारे में हमें ये भी इस कहानी में लेखक ने कहा है कि जब बच्चा एक कक्षा में दो बार फेल हो जाता है, तीन बार फेल हो जाता है, तो वहाँ पर जो विद्यार्थी होते हैं और अध्यापक होते हैं उनका दृष्टिकोण उस बच्चे को देखने का नज़रिया कैसे होता है। जिस बार टोपी एक ही कक्षा में फेल होकर वहीं पर बैठा रहता था तो वहाँ पर उसके जो नए दोस्त जो उसके साथ थे वो हर बार बदलते टोपी उसी कक्षा में बैठा करता था, उसे चिढ़ाया करते थे और अध्यापक जो थे वो उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते थे। और जब टोपी कुछ प्रश्नों के उत्तर देने के लिए हाथ ऊपर करता तो उसे नज़रअंदाज या बिल्कुल उसकी तरफ ध्यान नहीं देते थे और अचानक टोपी को कभी भी खड़ा कर देते थे और किसी भी प्रश्न के बारे में कुछ पूछते थे और टोपी ने अगर उत्तर नहीं दिया तो उसका हंसी मजाक उड़ाते थे और उसे अपमानित करते थे। तो यही इस बात को भी लेखक ने हमें यही दिखाया गया है कि ऐसे कुछ बच्चे होते हैं जिनके पीछे कोई कारण होता है फेल होने का। उनकी जो मानसिकता है, उनके जो फेल होने का कारण हमें ढूंढना है, उनके साथ बड़े प्यार से बात करनी है, ना कि उन्हें बार बार अपमानित कर उनके दिमाग में पढ़ाई के बारे में जहर मिलाना है। बच्चों, यहाँ पर अध्यापकों के बारे में जो बताया गया है कि विद्यार्थी और अध्यापकों का व्यवहार और परीक्षा परिणाम, बच्चा क्यों फेल हो रहा है इसके बारे में अध्यापकों को यही करना है कि उसके
पेरेंट्स को बुलाना है, उसके जो अभिभावक हैं उन्हें बुलाकर उनके साथ बातचीत करनी है, उसका फेल होने का, उसके इस तरह से पेश आने का कारण पूछना चाहिए। और उसी तरह से उस बच्चे के इससे पहले के परिणाम क्या हुआ करते थे परीक्षा में, और आज अचानक इस बार इस तरह से ऐसा क्यों वो कम पढ़ने लगा है परीक्षा में, इस बारे में उसकी जांच पड़ताल करनी चाहिए और बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए और उसे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए, ना कि कक्षा में बाकी के विद्यार्थियों के सामने उसे बार बार एक ही कक्षा में बैठकर फेल हो रहा है, वही पढ़ाई कर रहा है लेकिन कुछ दिमाग में जा नहीं रहा, इस तरह से बातें बिल्कुल नहीं करनी है और उसे इस पढ़ाई के बारे में दूर नहीं हटाना है। उसके विचारों को, उसके जो मनस्थिति है, उस मानसिकता को हमें संभालना है और फिर से उसे पूर्ववत अपने पद पर लाकर खड़ा करना, यह अध्यापकों का काम है। और यही बात को यहाँ पर भी टोपी के जीवन में घटी हुई जो घटना है एक ही कक्षा में दो बार फेल होने की, इसी के ऊपर लेखक ने भी हमें यही समझाया है कि अध्यापकों का काम किस तरह से है। तो कुछ होते हैं ऐसे जो बच्चों को इस तरह से अपमानित करते हैं, लेकिन सभी ऐसे नहीं होते हैं, कुछ उन्हें संभाल कर लेते हैं, उनके बारे में जांच पड़ताल करते हैं और उससे प्रोत्साहित कर आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और उससे बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर यही हुआ, और इसी बात के ऊपर से यहाँ पर लेखक ने इस कहानी में इसी तरह से टोपी ने जब एक बार फिर से इफन जिस घर में रहता था उस घर में नए परिवार आ गया था, जो कलेक्टर का परिवार था, जिसके तीन बेटे थे और वो बच्चे इतने शैतान थे कि जो इफन की तरह नहीं थे, लेकिन फिर भी टोपी उनसे दोस्ती करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, लेकिन फिर भी उसके मन में थोड़ी सी ये आ जाती है दोस्ती की, कि वो कहता है कि चलो एक बार देखते हैं कि वो बच्चे कैसे हैं, उनसे मैं दोस्ती कर पाऊंगा या नहीं। इसलिए वो जब उनके घर पर जाता है तो वो बच्चे उसके ऊपर कुत्ता छोड़ देते हैं और उस कुत्ते के काटने के कारण टोपी को अपने पेट में इंजेक्शन लेने पड़ते हैं, 14 इंजेक्शन। तो इस तरह से टोपी के दिमाग में तो वो बच्चे चले जाते हैं और वो कहता है कि जो इफन था, जो मेरा एक अच्छा दोस्त था, लेकिन बाकी के कभी उसके इफन के बाद टोपी के कोई दोस्त नहीं बने। और इसी तरह से यहाँ पर टोपी के जीवन में अपनापन लाने वाला इफन था, उसकी दादी थी, और यही जब छोड़कर गए तो फिर से टोपी जो था उसके जीवन में वही परिस्थिति आ गई जो वो पहले के जैसे था। तो बच्चों इस पाठ में यही बताया गया है और हमें यही सीखने के लिए मिलता है कि बच्चों को अपनापन मिलना चाहिए। परिवार में अगर उन्हें अपनापन नहीं मिला तो बच्चे इस अपनेपन को, अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए बाहर जाकर दूसरों में उस अपनेपन को ढूंढने का प्रयास करते रहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर टोपी और इफन दोनों भी अलग अलग जाति के थे, लेकिन इन दोनों ने अपने जाति को अपने पन में कभी लाया नहीं और जिस तरह से वो एक हो गए थे, इसी एकता को लाने के लिए यहाँ पर लेखक ने हमें कहा है कि बिल्कुल जाति भेद धर्म इन सांप्रदायिकों को हमें नहीं मानना है और मनुष्य को एक होना है और एक होकर हमें चलना है। और इसी तरह से न हिंदू न मुस्लिम इस तरह के किसी प्रकार के भेदभाव न करते हुए जिस तरह से टोपी और इफन की दादी एक गहरे दोस्त बने थे, एक दूसरे के बिना अधूरे थे, उस तरह का प्यार भी यहाँ पर फिर से पनपना सकता है। और इसी में तो मनुष्यता है, जो सिर्फ मनुष्य को न किसी जाति धर्म से पहचानता है बल्कि एक मनुष्य के नाते वो एक दूसरे की मदद करता है, एक दूसरे से खींचा चला जाता है, अपनापन महसूस करता है। तो इस तरह से यहाँ पर यही लेखक को चाहिए कि मनुष्य ने एक मनुष्यता के नाते सबके साथ रहना चाहिए, एकजुट होना चाहिए, एकता के साथ रहना चाहिए। और रही बात शिक्षा की, दूसरी बात हमें यही सीखने को मिलते हैं कि अगर कोई बच्चे टोपी के जैसे एक ही कक्षा में दो दो तीन तीन साल अगर फेल हो रहे हैं, रह रहे हैं, तो उन बच्चों को हमें अपमानित नहीं करना है, ना कि उन्हें
वहीं पर फिर से बिठाना है, बल्कि उसे उस तरह से फेल होने का कारण हमें ढूंढना है और उस बच्चे को उस जो वो मानसिकता से जो दब गया है उसे हमें बाहर लाना है और फिर से एक नई जिंदगी देकर उसे फिर से अपने पूर्व पद पर लाकर उसका विकास करना है। तो बच्चों, यही रहा टोपी शुक्ला का पाठ जो राही मासूम रजा जी ने यहाँ पर हमें मानवीयता यानी मनुष्यता को यहाँ पर निर्माण करने का प्रयास किया हुआ है। जिस तरह से टोपी और इफन एक अच्छे दोस्त बन सकते हैं, ऐसे दुनिया में कई टोपी और इफन की तरह दोस्त हैं और ऐसी दोस्ती अगर हम बनाएंगे तो ना रहेगी जाति, ना धर्म, ना रहेंगे हिंदू और मुस्लिम के भेदभाव, सब मिलकर एक हो जाएंगे और इस विश्व में एकता स्थापित होगी। तो बच्चों, यहीं पर हमारा ये जो पाठ है वो समाप्त होता है। इसी तरह की इसकी कहानी है कि किस तरह से टोपी ने अपने जीवन में इफन का महत्व बताया है और उस इफन के साथ उसकी दोस्ती के बारे में यहाँ पर बताया गया है, जो आज हम यहाँ पर सीख गए हैं। बच्चों, इस पाठ को अच्छी तरह से पढ़ो और पढ़ने के बाद इस कहानी को आप बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाओगे कि कैसे पूरबी भाषा होती है, किस तरह से बच्चे पूरब की भाषा यानी बोल पाते हैं। बड़ा मज़ा आ जाएगा पूरब की भाषा वहाँ पर सुनकर भी आप लोगों को, और टोपी की इस कहानी को पढ़ते पढ़ते आप लोगों को भी अपने घर में इसी तरह से आपके छोटे भाई या बड़े भाई बहन आप लोग होंगे तो आपकी भी ऐसी कोई शरारतें आपको भी याद आ जाएगी। तो बहुत ही अच्छा लेसन है ये, पाठ है टोपी शुक्ला, उसे आप ज़रूर पढ़िए और उसे समझने का प्रयास कीजिए और हमें भी टोपी और इफन की तरह एक अच्छी गहरी दोस्ती बनानी है, ना ही किसी जाति भेद को मानना है, सबको मिलकर रहना है और वहीं पर मनुष्यता को हमें इस संसार में स्थापित करना है। सबका धर्म, सबकी जात एक ही है और वो है मनुष्यता।